सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजी सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि आप ट्राइपॉड को कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास एक सिंपल सा ट्राइपॉड, आपने नया नया ट्राइपॉड लिया है, अगर आप सोचते हैं कि ट्राइपॉड पे सिर्फ कैमरा लगा के हम स्टिल वीडियो शूट कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ट्राइपॉड से हम सिनेमैटिक मूव्स ले सकते हैं, उसकी टेक्निक्स को यूज़ करके कैसे अपनी वीडियोज़ को और अच्छा बना सकते हैं। तो सब कुछ बताने वाला आपको इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो फाइनली आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ चार ऐसे कमाल के सिनेमैटिक मूव्स आप ले सकते हैं अपने ट्राइपॉड के साथ। अब जैसा कि सामने आप देख रहे हैं कि मैं ट्राइपॉड को पूरा का पूरा मतलब कि खोल रहा हूँ, उसकी जो लेग्स हैं सारी की सारी मैंने ओपन कर दी हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसा कि सामने आपको एक दीवार दिख रही है, अगर यहाँ पे मैं हैंडल मूव को लेता हूँ, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपकी वीडियोस के अंदर शेक आ जाएगा और वो मूवमेंट ऐसे नहीं लगेगा कि वो सिनेमैटिक है। अगर मैं यहाँ पे अपना कैमरा मीन्स की ट्राइपॉड को थोड़ा सा टिल्ट करके मतलब कि कैमरा मूवमेंट को लेता हूँ तो मुझे कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है, तो चलिए इस मूव को करके हम देखते हैं। सो अभी आपने देखा टिल्ट स्लाइड मूव और कितना ज़्यादा सिनेमैटिक हमें देखने को मिला, जस्ट हमने अपने ट्राइपॉड को सही टेक्निक्स के साथ यूज़ करना है और आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बिकॉज जैसे कि मैंने इसको यूज़ करा था एक दीवार का सपोर्ट लेके, तभी मेरे को रिजल्ट देखने को मिला है। उसके बाद चलते हैं मैंने सेकंड मूव की तरफ। जैसा कि सामने आपको एक बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग को किस तरीके से मैं कैप्चर करूँगा, मैं इसकी रिकॉर्ड करूँगा। अगर मैं स्टिल शूट करता हूँ तो सिंपल सा लगेगा कि कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, पर अगर यहाँ पे मैं अपना ट्राइपॉड बैक साइड की तरफ करके इसको फ्रंट की तरफ लेके आता हूँ बिल्डिंग की तरफ, तो अगर आपने कुछ मूवीज में फिल्म में देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि हम किसी चीज़ को दिखा रहे होते हैं, मीन्स कि हमारा इंटेंशन वहाँ पे बना रहे कि हम किसी चीज़ को प्रॉपरली दिखाना चाहते हैं, एक सीन को, पर्टिकुलर सीन को। तो अगर मैं अपने कैमरा को मीन्स कि ट्राइपॉड को पीछे करके थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आता हूँ तो मुझे कैसा सीन देखने को मिलता है, चलिए इस मूव को करके हम देखते हैं। तो अभी आपने देखा सेकंड मूव और अभी हम सिनेमैटिक मूव्स ले सकते हो जस्ट अपना सिंपल सा ट्राइपॉड यूज करके। उसके बाद बात करते हैं हमारे आज के फ्रेम रेट की। जो हमारा आज का फ्रेम रेट है वो है 60 FPS। बिकॉज अगर हम चाहते हैं हमारी वीडियोस के अंदर अच्छा स्लो मोशन हमें देखने को मिले तो हमें हाईर फ्रेम रेट पर शूट करना चाहिए, और आज की इस वीडियो में मैंने स्लो मोशन का यूज़ किया है। उसके बाद बात करते हैं हमारे आज की कैमरा सेटिंग्स की। जो मेरी आज की कैमरा सेटिंग्स है, कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आपने फिक्स रखनी है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ISO शटर स्पीड अपर्चर आप रख सकते हैं, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हमारे थर्ड मूव के बारे में, और जो हमारा थर्ड मूव है, अब जैसे कि सामने आपको एक रूम दिख रहा है, उसके सामने एक विंडो है, तो इस विंडो को किस तरीके से मैं बिना गिम्बल के गिम्बल की तरह एक मूवमेंट में लूंगा सीन को, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने ट्राइपॉड की जो फ्रंट वाली लेग होती है उसको फोल्ड कर देना, बंद कर देना। उसके बाद जो आपका हैंड में लीवर होता है, ठीक है, कैमरे के पास आपको लीवर मिल जाएगा, उसका जो नट है उसने उसको आपने लूज कर देना है, और उसकी वजह से आपको एक मोशन मिल जाएगा, स्मूथ मोशन। तो अगर आप अपने ट्राइपॉड को कैमरा को आगे की तरफ पुश करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूव को करके हम देखते हैं। सो ये था हमारा थर्ड मूव और कितना ज़्यादा सिनेमैटिक हमें देखने को मिला है। उसके बाद बात करते हैं हमारे फोर्थ एंड लास्ट मूव के बारे में। अब जैसा कि हमारे पास एक सिंपल सा ट्राइपॉड तो होता ही होता है, सबके पास तो अवेलेबल होता ही होता है, तो इसमें एक ऑप्शन होता है जिसकी वजह से आप अपने कैमरे को एक जगह पर मतलब रख सकते हो, कितना अपने हाइट पर रखना है, ठीक है, और उसके ऊपर एक लीवर होता है जिसको हम घुमाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसकी वजह से आप अपने कैमरे को मतलब जितना अपने हाइट पर रखना है, जहाँ पर आपने शूट लोकेशन आपकी वहाँ पर आप उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं अपनी वीडियो को ऑन करके जो मेरा लीवर है उसको मैं स्लो मोशन से मीन्स कि स्लो डाउन करके बिल्कुल हल्के हल्के उसको घुमाता हूँ, ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, अब जैसा कि सामने आप दीवार देख रहे हैं, उस दीवार को बिल्कुल क्रॉस करके एक सीन जैसे कि मतलब एंट्री होती है एक सीन की, वैसे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस सीन को करके हम देखते हैं।
सो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया है कि आप अपना ट्राइपॉड यूज करके कैसे सिनेमैटिक मूव्स ले सकते हो। अब यार बेसिक सा सिंपल सा ट्राइपॉड है, कोई भी हाईफाई ट्राइपॉड मैंने यूज़ नहीं किया है, तो अगर आपके पास एक बेसिक सा ट्राइपॉड है तो उसके साथ भी आप क्रिएटिविटी कर सकते हो, रिजल्ट्स आपके सामने है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।